सो गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर ट्यूटोरियल। आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी ये सोचा ही होगा कि फ्रेमवर्क को कैसे कोरियर करें जिससे ग्लासेस ब्रेक ना हो। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो भी गया होगा कि आप स्केचेस कोरियर करते हैं पैक करके, बट डिलीवरी वाले उसके ग्लासेस को ब्रेक कर देते हैं। तो आज मैं आप लोगों को वही बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पैकिंग करनी है और किस तरीके से नहीं। तो सबसे पहले आपको जो नहीं करना है वो आप डायरेक्टली ऐसे कभी भी पैक मत करना, क्योंकि ऐसे पैक करने पर जब आपके फ्रेम पर डायरेक्टली फोर्स पड़ेगा तो ये थर्माकोल उसको रोक नहीं पाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए जिन मटेरियल्स का यूज करूंगा और जैसे मैं यूज करूंगा वो चीज आप ध्यान से देखना, और ऐसे ही पैक करना तो आपका ग्लास कभी भी ब्रेक नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी फ्रेम के एग्जैक्टली साइज का एक MDF कार्डबोर्ड लेना है, जो कि आप ऑनलाइन या फिर प्लाईवुड की शॉप से भी ले सकते हैं। इससे आपके ग्लास पर डायरेक्टली फोर्स नहीं लग पाएगा जिससे आपका ग्लास ब्रेक नहीं होगा। बट हमारी प्रॉब्लम यहीं पर ही सॉल्व नहीं होती, क्योंकि अभी हमें फ्रेम की सेफ्टी के लिए काम करना बाकी। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं बबल रैप या फिर थर्माकोल। यहाँ पर मैं थर्माकोल यूज करूँगा क्योंकि बबल रैप मेरे मार्केट में मिला नहीं था। तो इसको भी हम थर्माकोल के बीच में एज ए सैंडविच की तरह रख देंगे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्केच को कैसे पैक करते हैं MDF कार्डबोर्ड के बीच में। दोनों तरफ लगाने के बाद आपको चारों तरफ के लिए भी छोटे छोटे पार्ट्स आपको काट लेने, जिससे सेफ्टी ज्यादा रहती है। एंड जब भी आप थर्माकोल बाय करना तो आप इस बात का ध्यान रखना कि आपके जो थर्माकोल हो वो 1 इंच से कम ना हो, क्योंकि उससे ज्यादा पतला होगा आपकी सेफ्टी नहीं दे पाएगा। तो जितना ज्यादा मोटा थर्माकोल रहेगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे पार्ट्स काट लिया, अब मुझे डायरेक्टली टेपिंग करके इसको अच्छे से पैक कर देना है। पैकिंग के टाइम पे आपको जरा सा भी स्पेस नहीं देना, तो आपको अच्छे से टेप एकदम टाइट से पैक करना है। तो गाइज यहाँ पर देखो मैंने टेपिंग करके कितने अच्छे से इसको पैक कर दिया है। अब मुझे लाना है चार्ट पेपर, और जब भी आप चार्ट पेपर यूज़ करेंगे वो मोटा वाला होना चाहिए, क्योंकि पतले वाले से वो थिकनेस नहीं आएगी, मजबूती नहीं आएगी। तो आप मोटे वाले पेपर यूज़ करके अच्छे से इसको पैक कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके आप टेप का यूज़ करना, क्योंकि जब प्लास्टिक से वो पैक रहेगा तो ज़्यादा बेटर सेफ्टी मिलती है। तो फाइनली गाइज देखो हमारा ये हो गया पैकिंग कंप्लीट, और ये कितना ज़्यादा खूबसूरत भी दिख रहा है। अब इसको मैं उठा के पटक के आपको दिखा देता हूँ, इतनी ज़्यादा सेफ्टी रहती है, इससे कोई चीज़ ब्रेक नहीं होती। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट ए लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।